हेलो दोस्तों, हम लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो नौकरी करने के बाद भी अपना एडुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, और वो मोस्टली प्रेफर करते हैं डिस्टेंस एडुकेशन, नहीं तो इवनिंग कॉलेज। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो एडुकेशन लोन होता है वो रेगुलर कोर्स के लिए दिया जाता है, उसमें डिस्टेंस एजुकेशन व पार्ट टाइम कोर्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक में ऐसा एक स्कीम है जिसके अंतर्गत में आप डिस्टेंस एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। उसका नाम है एजुकेशन प्लस। ये लोन SBI का कोई भी ब्रांच से आप मिल सकता है और बहुत इजीली मिल सकता है। आज आपको मैं बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आप एडुकेशन प्लस लोन ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो डिस्टेंस एडुकेशन का ड्रीम है वो फुलफिल कर पाए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हर रोज फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो लोन है ये सैलरीड क्लास पीपल के लिए दिया जाता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, रेपुटेड कॉरपोरेट इस जगह में नौकरी करते हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप ये लोन ले सकते हैं। हाँ, आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल होना चाहिए। आप यूं ही नौकरी में ज्वाइन करके ये लोन नहीं ले सकते, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और आपका उम्र 45 ईयर से कम होना चाहिए। 45 ईयर से ज़्यादा होगा तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। ये लोन आप कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन जो UGC द्वारा अप्रूव्ड हो, UGC, AICT जो भी गवर्नमेंट अप्रूवल एजेंसी है उसके द्वारा, अगर जो भी डिस्टेंस एजुकेशन अप्रूव्ड हो उसमें आप ये लोन ले सकते हैं। ये लोन आप मिनिमम 25,000 ले सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख, मतलब आप 1 लाख तक ही ये लोन ले पाएंगे। अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन 1 लाख में ही हो जाता है, तो मैक्सिमम आप 1 लाख ये लोन ले सकते हैं। इसके बाद मार्जिन कितना लगेगा, मार्जिन मतलब आपका शेयर कितना होगा कोर्स में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 10%, मतलब अगर 2 लाख, मतलब अगर सोचिए 90,000 अगर कोर्स फ्री हुआ तो 9,000 आपको देना पड़ेगा एंड 81,000 बैंक देगा। 10% शेयर शुड बी योर पोर्शन, उसके बाद बाकी बैंक फाइनेंस करेगा। ये लोन टर्म लोन में दिया जाता है, मतलब और इसका रिपेमेंट मतलब पहले मंथ से ही शुरू हो जाता है। नॉर्मल एजुकेशन लोन में क्या होता है कि कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद 6 महीने टाइम दिया जाता है, उसके बाद से रिपेमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन एज बिकॉज आप पहले से ही नौकरी करते हो तो इसीलिए इसका जो रिपेमेंट 1 महीने से ही शुरू हो जाएगा, और 60 महीने मतलब 5 साल में आपको ये लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका जो टर्म है 5 ईयर्स, मतलब ये जो लोन है मोस्टली पर्सनल लोन की तरह ही है। ठीक है, जो आपको एजुकेशन लोन के लोन के हिसाब से दिया जाता है। सिक्योरिटी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें नॉर्मल में कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ है कि अगर आपको जो जहाँ से आप नौकरी करते हो उससे बैंक चेकअप मांगता है, मतलब आपका सैलरी से कट के वो पैसा लोन में दे देगा आपका कंपनी, नहीं तो बैंक एक थर्ड पार्टी गारंटी मांगता है। अब ये आपका कोई कलीग नहीं तो आपका फैमिली मेम्बर को थर्ड पार्टी गारंटी रख सकते हैं। ठीक है, और कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो है कि इधर चेकऑफ देगा आपका कंपनी, मतलब कंपनी सैलरी से कट के डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देगा लोन पे, नहीं तो आपको एक थर्ड पार्टी गारंटी देना पड़ेगा। वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो आपका कलीग भी हो सकता है। ये लोन में और एक जो अच्छा चीज़ है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। SBI ये लोन प्रोसेस करने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लेता है। ठीक
ठीक है। तो ये था जो स्कीम का जो बेसिक पार्ट। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो आपका नियरेस्ट SBI का ब्रांच है उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे एजुकेशन प्लस लोन लेना है मेरा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो ब्रांच से आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो KYC डॉक्यूमेंट है मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड और आपका सैलरी अकाउंट का जो अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, मतलब जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है प्रेफरेबली वो सैलरी स्टेट बैंक में होना चाहिए। अगर स्टेट बैंक में होने से ये लोन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो आपका KYC में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड एंड सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट एंड फोटो, ये हो गया KYC पार्ट। अब इसके बाद आपका इनकम प्रूफ में आपको चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो 3 महीने का सैलरी स्लिप और 2 साल का फॉर्म 16, और अगर आप प्राइवेट में नौकरी करते हैं तो वहां पर भी 3 महीने का सैलरी स्लिप और 2 साल का फॉर्म 16, और उसके साथ आपको देना पड़ेगा जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसका एक कॉपी एंड CTC का कॉस्ट टू कंपनी जो प्राइवेट में देता है वो उसका एक कॉपी आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में बस इतना ही आपको देना पड़ेगा। इसके साथ और एक जो एक्स्ट्रा चीज चाहिए वो है पोस्ट डेटेड चेक। बैंक 6 पीस पोस्ट डेटेड चेक मांगता है। ये जो PDC है ये बैंक एज ए सिक्योरिटी रख देता है, अगर आप बाद में डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक ये चेक को बाउंस करा के आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए बैंक PDC लेता है। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बाद बैंक आपके घर में इंस्पेक्शन, आपका ऑफिस में इंस्पेक्शन करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक रहा और आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट ठीक रहा तो बैंक ये लोन सैंक्शन कर देगा। ये लोन का जो डिसबर्समेंट है एज पर द एजुकेशन का जो आपका जो कोर्स है जिस हिसाब से वो फी उसको चाहिए उसी हिसाब से बैंक डिसबर्समेंट करेगा। ऐसा नहीं कि एक साथ सब पैसा आपको दे देगा, और एक EMI नेक्स्ट महीने से चालू हो जाएगा और दैट्स इट। ये इसको रिपेमेंट आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, मतलब आपका जो सैलरी अकाउंट है उससे बैंक एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कर देगा, उससे क्या होगा हर महीने रिपेमेंट आते रहेंगे। तो दोस्तों यही है जो एजुकेशन प्लस स्कीम था। होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया ये आपको हेल्प करेगा आपका जो फ्यूचर एजुकेशन का प्लान है वो उसको सक्सेसफुल करने में। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर नया है आप मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।